तो आज की प्रोजेक्ट की जो क्लास है इसमें हम देखने वाले हैं कि एक फॉर्म से डेटा दूसरे फॉर्म पर कैसे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होता है, या एक फॉर्म का डेटा बैकएंड के थ्रू दूसरे फॉर्म से कैसे एक्सेस किया जाता है। इसको हम दो पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं कि एक फॉर्म बना हुआ है जिसमें आईडी, नेम, क्लास, एड्रेस और ये सारी चीज़ें दी हुई है, जिसमें आप सिटी देख पा रहे हैं। यहाँ पर सिटी जो है जिसमें भिलाई दिख रही है। तो सिटी जो है वो कई लोगों की कॉमन होती है, जैसे भिलाई भिलाई। जैसे मैं इसमें सब में जाऊंगा तो देखिए दुर्ग आया, दुर्ग आया, दुर्ग आया। तो ये सारी जो जो कॉमन चीज़ें हैं उनको टेक्स्ट बॉक्स में ना लेकर के कॉम्बो बॉक्स में हमको लेना होता है। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है, इसको हमको कॉम्बो में कन्वर्ट करना है। तो कॉम्बो में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो ये जो टेक्स्ट था इसको मैं डिलीट करके कॉम्बो बॉक्स बना देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक कॉम्बो बॉक्स बना दिया और कॉम्बो बॉक्स का फॉन्ट थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि ये क्लियर दिखे। तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। फॉन्ट बड़ा करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये आपका जो कॉम्बो बॉक्स है वो पूरी तरीके से ब्लैंक है। तो सबसे पहले कॉम्बो बॉक्स की बाइंडिंग करते हैं। कॉम्बो बॉक्स को मैं सेलेक्ट किया और बाइंडिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, डेटा सोर्स में ADODC1 और डेटा फील्ड में यहाँ पर मैंने सिटी ले लिया। अब देखिए इसका इसकी बाइंडिंग तो हो गई है। जब मैं इसमें जा रहा हूँ दुर्ग भिलाई यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखिए ये लिस्ट जो है वो ब्लैंक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ सिटी की लिस्ट आ जाए। तो इसके लिए कई तरीका है सिटी की लिस्ट लाने के लिए। स्टैटिक लिस्ट आपको लाना है तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पर आप एकदम स्टैटिक लिस्ट ला सकते हैं। इसको क्लिक करिए और यहाँ पर आपके पास स्टैटिक लिस्ट लाने के लिए एक लिस्ट प्रॉपर्टी होती है। तो दो तीन सिटी का नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे भिलाई, फिर कंट्रोल के साथ एंटर करना है, दुर्ग, रायपुर एक्सेट्रा। इस तरीके से आप लिस्ट दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दुर्ग, भिलाई, रायपुर ऐसा आ रहा है। अब किसी को हम नया ऐड करना है तो क्या करेंगे, नया ऐड पे क्लिक किए। यहाँ पर A10 जो है आपका नया रिकॉर्ड आ गया है। नाम लिए हम लोग रोहन DCA। एड्रेस में मैं इसका लिख देता हूँ सेक्टर 5। मोबाइल में मैंने ये दे दिया और सिटी में मैंने ले लिया रायपुर। ध्यान से देखना है, मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज की वजह से एरर आ रहा है क्योंकि आईडी जो है वो डुप्लीकेट हो गई है। ये एरर तब आएगा जब आपने प्राइमरी की सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये एरर आ गया है। डुप्लीकेट वैल्यू क्यों आई डेटाबेस में देखना पड़ेगा। A10 पहले से हमारे पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आगे बढ़ा यहाँ पर तो नया रिकॉर्ड हम ऐड कर रहे हैं। ऐड किए रोहन DCA सेक्टर 5। मोबाइल नंबर डमी दिया हमने और यहाँ पर इसकी सिटी रायपुर लिया, सेव किया, सेव हो गया। A10 में आप देखेंगे कि इसकी जो सिटी है वो रायपुर सेलेक्ट हुई। तो ये जो तरीका है एंट्री करने का ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पर किए हुए एंट्री को दूसरे फॉर्म पे ले जाना है। मान लीजिए आपने 6-7 स्टूडेंट की यहाँ पर एंट्री कर ली है। अब एक और नया फॉर्म हम यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक नया फॉर्म बना लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे ही मैं एक आईडी सेलेक्ट कर लूँ, मैं पहले फॉन्ट इसका बड़ा कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे ही मैं एक आईडी सेलेक्ट करूँ उस आईडी की डिटेल यहाँ पर आ जाए, तो ये बिल्कुल फिल्टर्ड रिपोर्ट के जैसे ही होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर आईडी ले आऊँगा। इस लिस्ट में आईडी ले आना ये अच्छा तरीका है आईडी लाने का। इसके लिए हमको एक छोटा सा कोड करना होता है। कोड क्या होगा देखेंगे। कम्बो बॉक्स आपका जो है वो ब्लैंक है। कम्बो बॉक्स आपका जो है वो ब्लैंक है। तो मैं प्रोजेक्ट में जा करके यहाँ पर फॉर्म 2 ले लेता हूँ और देखिए आप यहाँ पर फॉर्म 2 में जो कम्बो बॉक्स है वो तो पूरी तरीके से ब्लैंक है। और इसमें कम्बो 1 लिखा है इसको भी ब्लैंक कर देते हैं। अब पूरी तरीके से ये ऑटोमेटेड होने वाला है तो मैं इसको ब्लैंक कर दिया। कम्बो बॉक्स पूरी तरीके से ब्लैंक है, ना कुछ ऐड है और ना कुछ लिखा हुआ है इसमें। अब हम यहाँ पर आते हैं और इसमें सब चीज़ों को हम ऐड करेंगे, सारी चीज़ों को। तो ऐड करने के लिए हमको क्या करना होगा, कोडिंग करनी होगी थोड़ी सी, ठीक है। कोड क्या है इसको देखते हैं।
जैसे ही ये वाला जो कोड है ऑटोमेटिक होना है, इसलिए फॉर्म लोड पे, फॉर्म के किसी भी हिस्से पर यहाँ पर डबल क्लिक करिए, फॉर्म लोड जो आपका इवेंट है वो ओपन होगा, यहाँ पर कोड करना है। सेम वही कोड है आपका, यहाँ पर डेटा एनवायरनमेंट की जगह पर आप लिखेंगे, सबसे पहले ये कोड में लिखता हूँ, डिम कॉन एस न्यू एडियो डी बी डॉट कनेक्शन, डिम आर एस एस न्यू एडियो डी बी डॉट रिकॉर्ड सेट। ये दो वेरिएबल्स बनाते हैं, यहाँ पर न्यू लिखना जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्ट वेरिएबल उससे सेट होता है। कॉन मतलब कनेक्शन, आर एस मतलब रिजल्ट सेट या रिकॉर्ड। कनेक्शन को सबसे पहले ओपन करते हैं, तो सबसे मैं लिखूंगा इफ कॉन डॉट स्टेट इक्वल टू वन देन कॉन डॉट क्लोज, इफ आर एस डॉट स्टेट इक्वल टू वन देन आर एस डॉट क्लोज। ये दोनों वही तरीका है जो हमने फिल्टर्ड रिपोर्ट में देखा था। कनेक्शन अगर खुला हुआ है, कनेक्शन वाला डिबग खुला हुआ है तो क्लोज कर दीजिए, अगर रिकॉर्ड सेट भी खुला हुआ है तो दोनों को क्लोज कर दीजिए अगर खुले हुए हैं। तो हम शुरू तरीके से नए एंड से खोलेंगे। अब हम कॉन को ओपन करते हैं, कॉन डॉट ओपन, और कॉन को ओपन करने के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। अब कनेक्शन स्ट्रिंग को याद रखना और टाइप करने में गलती होती है, तो इसको गलती से भी आप टाइप नहीं करना। कनेक्शन स्ट्रिंग आपको एडियो डी सी के प्रॉपर्टी में यहाँ पर मिलेगा, देखिए लिखा हुआ है कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको पूरी तरीके से कॉपी करना है, ये नहीं कि इतना कॉपी करके छोड़ दिए, तो पूरा लास्ट तक कॉपी करना है। क्लियर है? तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग को जब मैं कॉपी करूँगा, इसमें एक कैरेक्टर भी अगर आप भूल जाते हैं, ये कुछ ऐसा लंबा सा कनेक्शन स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें अगर एक कैरेक्टर भी आप भूल जाएंगे तो एरर आ जाएगा। जैसे ये ई भी भूल गए, यहाँ तक भी कॉपी कर लिए तो एरर आएगा। मैं भी एरर ला के दिखाता हूँ आपको कैसा एरर आता है। तो यहाँ पर आप फॉर्म लोड पे कनेक्शन को ओपन करेंगे और कनेक्शन स्ट्रिंग आप दे देंगे, इसको मैंने पूरा कॉपी कर लिया, कनेक्शन ओपन हो गया। अब रिजल्ट सेट ओपन करिए, अब इसके नीचे मैं rs.open में आपको क्या करना है, या तो आप किसी टेबल को ओपन कर सकते हैं या फिर दूसरी तरीके से क्वेरी लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर SQL की क्वेरी चलाएंगे, ठीक है। SQL जो DBMS का जो सब्जेक्ट है जिसमें आपने क्वेरी पढ़ी होगी, तो ये फिल्टर्ड रिपोर्ट की जैसे ही क्वेरी होगी। तो आपने पढ़ा होगा कि उसमें एक सेलेक्ट कमांड होता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कमांड टाइप करना होगा। ये सारे कमांड्स आप DBMS में पढ़ेंगे ओरेकल में। यहाँ पर मैंने देखा कि टेबल का नाम है स्टूडेंट डिटेल्स, और मुझे यहाँ पर उस आईडी को सर्च करना है फिल्टर रिपोर्ट की तरह से। तो यहाँ पर मेरा जो क्वेरी होगा वो ये होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, जैसा टेबल का नाम लिखा है एज इट इज लिखना है वैसा, वेयर आईडी इक्वल टू, जो मेरी आईडी थी वो कहाँ पर रहेगा, वेल कॉम्बो, या मैं पूरी तरीके से कॉम्बो को रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ तो ये इसके लिए एक और मैं कमांड लिख देता हूँ, सेलेक्ट आईडी, सिर्फ आईडी मैं लेता हूँ, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, ये हटा देते हैं। यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट देना होगा, जैसे CMD कर्सर टाइप आपको देना पड़ेगा, ADCMD टेक्स्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम क्वेरी चला रहे हैं, और लॉक यहाँ पर हम देंगे कौन, और यहाँ पर देंगे, मैंने भी एरर हैंडलिंग के समय आपको ऑप्टिमिस्टिक और डायनेमिक ओपन करने का भी तरीका बताया था, तो मैं की सेट से इसको ओपन कर लेता हूँ, लॉक ऑप्टिमिस्टिक और ADCMD टेक्स्ट, ये आर्गुमेंट आपको याद रखने हैं, ये ज़रूर इस तरीके से पीछे लगाएंगे क्योंकि इन्हीं के हेल्प से वो ओपन होगा। अब मेरा टेबल जो है वो ओपन हो चुका है, टेबल ओपन होने के बाद अब मैं उसको रिफ्लेक्ट करूँगा लूप चला करके। तो यहाँ पर मैं वाइल लूप लगाऊंगा, आप सभी को पता है कि वाइल लूप कैसे लगाते हैं। वाइल लूप लगाने के पहले मैं कम्बो को क्लियर कर देता हूँ, है ना, कम्बो वन डॉट क्लियर, ये कम्बो बॉक्स की फंक्शनैलिटी होती है, कम्बो क्लियर होता है, वाइल rs.eof, EOF का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल, जब तक RS का फाइल एंड नहीं हो जाता, सारे रिकॉर्ड खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो लूप चलते रहेगा।
और rs.move next, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे combo1.addItem rs.field0। field 0 क्यों लिखे हैं वो आपको पता है, मैंने बताया है कि field 0 यहाँ पर जो टेबल होता है इसको field 0, 1, 2, 3, क्योंकि field 0 लिखूंगा तो ये आएगा, field 1 लिखूंगा तो नाम आने लगेगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको रन करने वाला हूँ, ये कोड हमने लिख लिया है, मैं रन किया, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर A1 पूरी लिस्ट आ गई डेटाबेस में। अब यहाँ पर अब जैसे मैंने A9 को चेंज करके A2 कर दूंगा डेटाबेस में, तो यहाँ पर अपने आप चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पर गया डेटाबेस में, ये A9 है, इसको A99 कर दिया, चलो A99 कर दिया। अब देखिए ऑटोमेटिक वहाँ पर अपने आप A99 आ जाएगा। अब इसको आप ऑर्डर्ड फॉर्म में चाहते हैं तो अपने आप ऑर्डर्ड में आ जाएगा, वो तो सारे फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पर। आप सेलेक्ट करिए और ये सॉर्टेड को ट्रू कर दीजिए, आपको यहाँ पर सॉर्टेड दिखाई देगा। तो देखिए आप कुछ भी आईडी लिखिए अपने आप वो ऐसा दिखाई देगा, A1 और A99 बढ़ते क्रम में, 1 1 होने के कारण ये बढ़ते क्रम में दिखता है, तो ये अपने आप आ गया। अब इस कोड में थोड़ा सा चेंजेस कर दीजिए, यहाँ पर field 0 के बदले field 1 कर दीजिए। अब क्या होता है देखिए, field 1 करने से ये कुछ अच्छा, यहाँ पर एरर इसलिए आया है क्योंकि मैंने यहाँ पर क्वेरी में सिर्फ आईडी लिखा था, मैं यहाँ स्टार लिख देता हूँ। अब ये चलेगा, field 1 भी चलेगा, देखिए अपने आप नाम आने लग गया। वैसे ही field 2 कर देंगे तो इसके बाद नाम के बाद क्या है, क्लास, क्लास आने लगेगी, ये देखिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फिलहाल आईडी ले लेता हूँ, यानी कि field 0 ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं field 0 लूँ तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर डेटा ग्रिड में दिखाई दे। तो डेटा ग्रिड बनाते हैं यहाँ पर और बहुत ही सुंदर सा एक डेटा ग्रिड यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। डेटा ग्रिड रेडी करने के बाद हम इसका थोड़ा सा फॉन्ट सेट करेंगे, क्योंकि रेडियो डीसी में कनेक्शन करते हैं। चलिए यहाँ पर मैं फटाफट कनेक्शन कर लेता हूँ। Z4.0 आपका डेटाबेस है और इसको आप डिलीट कर दीजिए ताकि पोर्टेबिलिटी बनी रहे। कनेक्शन हो गया, यहाँ पर आपने रिकॉर्ड सोर्स में टेबल लिया, टेबल लेने के बाद आपका टेबल यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। लेकिन अगर आप रिफ्लेक्शन चाहते हैं तो यहाँ पर ये चेंज करना पड़ेगा, ADCMD टेक्स्ट करना पड़ेगा और ये चीज़ यहाँ लिखनी पड़ेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, ये क्वेरी आपको लिखना पड़ेगा। ये क्वेरी कैसे लिखी जाती है, DBMS सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा ओरेकल में। तो मैंने जैसे ही इसको लिखा और इसको इससे बाइंड कर दिया, बाइंडिंग क्या होती है आपको पता है, ये एरो आ गया मतलब बाइंडिंग हो गई है। अब जैसे देखिए यहाँ पर पूरे रिकॉर्ड्स ADODC से आ रहे हैं, मैं जैसे चाहता हूँ कि जैसे मैं A7 लूँ तो यहाँ पर सिर्फ A7 दिखाई दे, तो इस ID से रिफ्लेक्शन कराऊंगा मैं यहाँ पर, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ दूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चलिए रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इस कोड को करते समय बहुत लोग ध्यान में गलती ये करते हैं कि ADODC में ये ले लेते हैं, ADCMD टेक्स्ट टेबल ले लेते हैं, ऐसा ले लेंगे तो ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये कोड से ही रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो चलिए कोड से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक इवेंट पे मैं इसका कोड करने वाला हूँ, क्लिक इवेंट पे जब मैं कोड करूँगा तो इसका कोडिंग कैसे होगा, combo1 पे जब क्लिक करूँगा तो इसके लिए मैं ADODC की प्रॉपर्टी को रिफ्रेश करूँगा, ADODC1.TextRecordSource इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पर जो भी कोडिंग लिखी थी वो लिख दूंगा मैं यहाँ पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स ID इक्वल टू, अब ID का जो भी आपने आर्गुमेंट पास किया था वो ले लीजिए। आर्गुमेंट आपका क्या था यहाँ पर, वेल, अच्छा आपने वेल तो लिखा नहीं है, A1 A2 है, इसलिए combo1.text ये आपकी आईडी आपने पास कर दिया और ADODC1 को रिफ्रेश कर दीजिए, आपका रिफ्लेक्शन इस क्वेरी से चेंज हो जाएगा। क्वेरी आपने DBMS में पढ़ी होगी, ये चीज़ आप DBMS में पढ़े होंगे तो इसको आप समझ रहे होंगे ओरेकल में। अब देखिए मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा A6 में,
तो मोर रिक्वायर्ड पर यहाँ पर कुछ अगर ये वाला एरर आता है इसका मतलब है कि अपने स्पेलिंग कहीं मिस्टेक की है, यहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वेयर आईडी, अब डेटाबेस में देखिए नाम क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक मिनट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ऐसा स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो आप यहाँ से कॉपी कर लिया करिए, यहाँ पे रीनेम करना है आपको। तो मैंने कॉपी किया और इसमें आईडी ही लिखा है, यस मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने। edu_dc1.record_source इक्वल टू दिस दिस दिस, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद आप देखते हैं ये नहीं हो रहा, नो वैल्यू गिवन फॉर नो रिक्वायर्ड पैरामीटर। ये तब आता है जब आपने, यहाँ पे कुछ तो स्पेलिंग गलत हो रही है, यहाँ पर आपको एक चीज़ हमने मिस कर दिया है, ये जो आईडी है ये टेक्स्ट है, हम भूल जा रहे हैं बार बार। टेक्स्ट वाली जो आईडी होती है वो सिंगल कोट में होती है, तो इस तरीके से हमको सिंगल कोट यहाँ पर लगाना होता है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा जो ये A6 लेने पर A6 का आ गया डिटेल, A99 लेने पर A99 का आ गया, A1 लेने पर A1 का रिकॉर्ड जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये सारे रिकॉर्ड जो हैं A99 और ये सब, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये फॉर्म 1 से आ रहे हैं। इसके लिए हमको यहाँ पर जैसे जैसे फॉर्म में एंट्री करते जाएंगे इस फॉर्म पे वो रिकॉर्ड बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से एक फॉर्म का जो रिकॉर्ड है दूसरे फॉर्म पे शिफ्ट किया जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे ये फॉर्म 1 है, ये फॉर्म 1 होता है, ये फॉर्म 2 होता है। तो इसको शिफ्ट कैसे करते हैं, ये डेटाबेस में भेजता है, फॉर्म 1 जो है वो अपना डेटा कहाँ भेजता है, डेटाबेस में। और ये जो डेटाबेस से ये डेटा लेता है, क्लियर है। तो ये सेम वही तरीका है जैसे हम पोस्टमैन चिट्ठी भेजते हैं तो वो किसी हेड ऑफिस में जाती है, वहाँ से फिर डिलीवर होती है, तो डेटाबेस वही काम करता है, ये प्रोसीजर हो रहा है। इसके लिए हमको कोड लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से हम एक फॉर्म का डेटा दूसरे फॉर्म पे ले जा सकते हैं। और ये हम जो पहले देख रहे थे कि जितने टेबल बने हैं उतने ही फॉर्म बनेंगे, तो ऐसा नहीं है, वो जनरल रूल था। आप एक फॉर्म से, एक डेटाबेस से 2 टेबल 3 टेबल भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ये दोनों टेबल बनाया है, दोनों फॉर्म बनाए हैं, इसमें टेबल एक ही बना हुआ है। तो ये हमारा जो आज की क्लास थी उसमें हमने देखा कि डेटाबेस के साथ एक ही डेटाबेस है सेंट्रल में, और उससे कई लोग कई फॉर्म कैसे कनेक्ट होते हैं।